नमस्कार साथियों, आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम संधि में विसर्ग संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी व्याकरण में तीन प्रकार की संधियां होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में हमने पहले जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम देखेंगे कि विसर्ग संधि क्या होती है और हम इसे किस प्रकार से पहचान सकते हैं और इसका विच्छेद कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि विसर्ग संधि होती क्या है। विसर्ग संधि वह संधि होती है जिसमें आहा, यह जो हिंदी का अक्षर होता है, उसका प्रयोग किया जाता है और उसके बीच में संधि होती है। आहा की गणना व्यंजनों के रूप में होती है। विसर्ग जो होता है वह आहा का जब संधि होता है तब स्वर या व्यंजन का मेल होता है आहा के संग। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं निहधन अक्षर, इसमें अह की मात्रा नी के साथ लगी हुई है तो यह जोड़ अगर होगा निरक्षर, इसमें अह शब्द का लोप हो गया। उसी प्रकार दुधन आत्मा, दुरात्मा, इसमें अ हटकर उसकी जगह र आ गया है और जुड़कर दुरात्मा बन गया। उसी प्रकार मान लीजिए निहधन पाप, तो यह बन जाएगा निष्पाप। इस प्रकार इसमें संधि होती है। विहत संस्कृत के शब्दों में केवल अह अंत वालों और दुह तथा नी के उपसर्गों में पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि जो विसर्ग संधि होती है उसे बनाने के कौन कौन से नियम होते हैं। अर्थात यदि विसर्ग जो अपना आह शब्द लगा हुआ है उसका अगर मेल किया जाता है किसी अन्य स्वर या व्यंजन के साथ तो किस प्रकार से संधि बनेगी। सबसे पहले नियम यह है कि विसर्ग के साथ यदि च या छ का मेल होगा तो विसर्ग के स्थान पर आधा स बन जाएगा। जैसे निहधन चय, तो जो आधा अह की मात्रा है वह बन जाएगी आधा स और यह हो जाएगा निश्चय। इसी प्रकार दुधन चरित्र, दुष्चरित्र, इसमें आप देख सकते हैं कि जो दूसरा शब्द है वह च या छ है तो च या छ के स्थान पर आधा स हो रहा है। ज्योतिधन चक्र, ज्योतिषचक्र, अह की मात्रा आधे स में बदल गई। निहधन छल, निश्चल। इसी प्रकार यदि आधा स वाले कोई शब्द हमें प्राप्त हो रहे हैं और हमें उनका विच्छेद करना है तो इस नियम का ध्यान रखना है कि आधा स के स्थान पर च या छ आ जाएगा। तो जैसे तपश्चर्या, तो इसमें चर्या जो है वो अपने आप में पूर्ण शब्द है, विच्छेद होगा तपस्धन चर्या, लेकिन आधा स के स्थान पर अ की मात्रा आएगी इसलिए यह बनेगी तपहधन चर्या। इसी प्रकार अंतश्चेतना, चेतना अपने आप में एक शब्द है तो उसे हम अलग कर लेंगे और फिर बनेगा अंतधन चेतना, आधा स के स्थान पर अह की मात्रा। उसी प्रकार हरिश्चंद्र, उसका विच्छेद होगा तो बनेगा हरिधन चंद्र। उसी प्रकार अंतस चछु, इसका विच्छेद करने पर बनेगा अंतधन चछु। इसी प्रकार और भी शब्द हैं जिनका प्रयोग करने पर स आधा स आता है, उसके हम देख सकते हैं उदाहरण अब हम देखेंगे। दूसरा नियम, दूसरे नियम में है विसर्ग के साथ शक्कर का स का मेल यदि होता है तो विसर्ग के स्थान पर आधा स बन जाएगा। जैसे पहले वाले नियम में हुआ था च या छ के साथ, उसी प्रकार यदि शक्कर का स आता है पूरा तो आधा स यह बन जाएगा। पहले वाले में बना था आधा स च या छ के साथ, इस बार बनेगा आधा स शक्कर के स के साथ। जैसे दुहधन शासन, दुशासन, यशधन शरीर, यश शरीर, निहधन शुल्क, निःशुल्क।
उसी प्रकार यदि विच्छेद करते हैं और हमें लगातार एक आधा और एक पूरा स मिल रहा है, तो या मान लीजिए दो स एक साथ मिल रहे हैं सब करके स, तो यह समझ जाइए कि यहाँ पे अह की मात्रा आ जाएगी विच्छेद करने पर। जैसे निश्वास, इसका विच्छेद करने पर बनेगा निहधन श्वास। उसी प्रकार चतुश्लोकी, चतुर्धन श्लोकी, निसंग निहधन संग, यह बनेगा। इसके बाद है तीसरा नियम। तीसरे नियम में है विसर्ग के साथ ट, ठठेरे का ठ या षटकोण का स आता है, तो विसर्ग के स्थान पर आधा स बनेगा। ध्यान देंगे, विसर्ग के साथ टमाटर का ट, ठठेरे का ठ या षटकोण का स आता है तो आधा स बनेगा। जैसे धनुधन टंकार, तो इसका जब संधि करेंगे तो बनेगा धनुष टंकार। अह की मात्रा आधा स में परिवर्तित हो गई है। उसी प्रकार चतुर्धन टीका, चतुष्टीका, चतुर्धन षष्ठी, चतुष्षष्ठी। अगला नियम है विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अ या आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो, जो 11 स्वर होते हैं उसमें से कोई और स्वर हो, तो विसर्ग के साथ मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ण क, ख, प, फ में से कोई भी हो तो विसर्ग के स्थान पर आधा स बन जाएगा। जैसे देखेंगे निहधन कलंक, निष्कलंक, इसमें अह की मात्रा आधे स में बदल गई है। दुहधन कर, दुष्कर, अविधन अविहधन कार, अविष्कार, आधा स आ गया। चतुर्धन पथ, चतुष्पद, निहधन फल, निष्फल। इसी प्रकार यदि हम विच्छेद पे जाते हैं और हमें मिलता है एक शब्द निष्काम, तो हम देखेंगे कि जो काम है यह अपने आप में एक शब्द है और इसका पहला अक्षर जो है क, वह इस नियम को पूरा करता है। अर्थात अब जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो यह बन जाएगा निहधन काम। निष्काम का विच्छेद करने पर बनेगा निहधन काम। उसी प्रकार यदि हमने एक शब्द निष्प्रयोजन, इसका विच्छेद करना है, तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो प्रयोजन शब्द है उसमें पहला अक्षर प है, तो निहधन प्रयोजन यह बन जाएगा। इसी प्रकार बहिष्कार, बहिधन कार, निष्कपट, निहधन कपट, ज्योतिष्कर्ण, ज्योतिर धन कर्ण, ऐसा बनेगा। विसर्ग का अगला नियम देखेंगे, यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अ या आ का कोई स्वर हो तथा विसर्ग के बाद क, ख, प, फ हो, तो संधि होने पर विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहेगा। पहले हमने देखा था कि और अ आ के अतिरिक्त कोई स्वर, लेकिन यदि यह अ या आ ही हो तो वह जस का तस बना रहेगा। जैसे अधहधन पतन, तो इसमें अध पतन, प्रातः धन काल, तो प्रातः काल, अंतः धन पूर, अंतः पूर, व्यय धन क्रम, व्यय क्रम। इसी प्रकार विच्छेद करने पर यदि हमें कोई शब्द मिलता है जिसमें अह की मात्रा लगी हुई है, तो हम ये देखना पड़ेगा कि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अ या आ का कोई स्वर है क्या, और यदि है तो वह जस का तस बना रहेगा। जैसे रजह कर्ण, इसका विच्छेद करने पर बनेगा रजह धन कर्ण, तपहधन पूत, तपह पुत, तपहधन पूत, पय पान, पयहधन पान, इस प्रकार का शब्द बनेगा। और कुछ उदाहरण हैं, जैसे अंतहधन करण, अंतःकरण, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं। जब हम किसी शब्द को इन नियमों पर रखते हैं तो जो कुछ शब्द पहले से ही बने हुए हैं और स्थापित शब्द हैं, तो उनका विच्छेद करने पर भी इन नियमों से हटकर नियम आएगा और ये सब इनके अपवाद होंगे। जैसे भाहधन कर,
हास्कर नमहधनकार नमस्कार पुरहधनकार पुरस्कार श्रेयहधन कर श्रेयस्कर बृहधन बृहधन बृहस्पति बृहधन पति बृहस्पति पुरहधन कृत पुरस्कृत तिरहधनकार तिरस्कार। इसमें आप देख सकते हैं कि यह यदि नियम के आधार पर बनाए जाते तो यह पहला जो है भास्कर यह बनता भाहध भाहकर, लेकिन यह इसका अपवाद है और इसका शब्द बनेगा भास्कर। अगला नियम है विसर्ग के साथ त या थ के मेल के से विसर्ग के स्थान पर आधा स बन जाएगा। इसमें देखेंगे कि यदि त या थ बाद वाले शब्द में पहले स्थान पर है, जैसे अंतधन तल, इसमें आप देख सकते हैं कि तल का पहला शब्द त है, अक्षर जो है वह त है, तो यह बनेगा अंतस्त्र। इसी प्रकार निहधन ताप तो निस्ताप, ये आधा स आ गया। दुधन तर दुरस्तर दुस्तर, निहधन तारण निस्तारण। इसी प्रकार यदि हम विच्छेद करते हैं तो हम देखेंगे कि यदि आधा स के बाद त आ रहा है या थ आ रहा है तो वह आधा स बन जाएगा अह की मात्रा। इस जैसे निस्तेज, इसका विच्छेद करने पर बनेगा निहधन तेज, नमस्ते नमहधन ते, मनस्ताप मनहधन ताप, बहिस्थल बहिधन इथल। अगला नियम है विसर्ग के साथ सरोता का स का यदि मेल होता है तो विसर्ग के स्थान पर आधा स आ जाएगा। इसमें हम देखेंगे कि विसर्ग के बाद जो अगला शब्द है वह स है, तो जब इसका मेल करेंगे तो अह की मात्रा आधा स में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे निहधन संदेह निस्संदेह, दुहधन साहस दुस्साहस, निहधन स्वार्थ निस्वार्थ, दुहधन स्वप्न दुस्वप्न। इसी प्रकार यदि हम विच्छेद करते हैं तो निस्संतान का विच्छेद करने पर होगा निहधन संतान, आदेश की मात्रा अह में परिवर्तित हो गई। दुस्साध्य दुहधन साध्य, मनस संताप मनहधन संताप, पुनः स्मरण पुनःधन स्मरण। इस प्रकार स के जुड़े हुए विसर्ग का मेल हमने देखा। अब हम देखते हैं अगला नियम, यदि विसर्ग के पहले वर्ण में ई या ऊ का स्वर हो, ध्यान देंगे ई या ऊ का स्वर तथा विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग होने पर संधि होने पर विसर्ग का लोप हो जाएगा, आह की मात्रा हट जाएगी, लेकिन साथ ही ई या ऊ की मात्रा जो छोटी ई और छोटी ऊ है उसकी मात्रा बड़ी ई या बड़ा ऊ में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे देखेंगे निहधन रस तो नीरस, इसमें देखेंगे न के साथ जो छोटी ई की मात्रा है वह बड़ी ई की मात्रा हो गई और आह का लोप हो गया। उसी प्रकार निहधन रौ नीरव, बढ़ाई आ गया है और अह की मात्रा का लोप हो गया। निहधन रोग निरोग, दुहधन राज दुराज। इसी प्रकार यदि हम विच्छेद करना चाहें तो हम देखेंगे सबसे पहले विच्छेद करने पर जो बीच के शब्द हैं वो क्या रहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने किया नीरज, इसका विच्छेद किया तो रज जो है पूर्ण शब्द है वो अलग हो जाएगा, सामने बचेगा नी बड़े ई की मात्रा के साथ, लेकिन इस नियम का पालन करने पर बड़े नी की मात्रा छोटे नी में बदल जाएगी और अह का मात्रा आ जाएगा और विच्छेद बनेगा निहधन रज। उसी प्रकार निरंद्र तो बनेगा निहधन रंद्र, इस प्रकार से इसका विच्छेद होगा। एक और उदाहरण देखेंगे चक्षु रोग, तो इसका जब विच्छेद करेंगे तो ऊ की मात्रा छोटे ऊ में बदल जाएगी और अह की मात्रा आ जाएगी, चक्षुहधन रोग। उसी प्रकार दुरम्य, इसका विच्छेद बनेगा दुहधन रम्य। अगला नियम है विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अ का स्वर हो तथा विसर्ग के साथ अ के अतिरिक्त अन्य किसी स्वर का मेल हो, अर्थात दोनों तरफ स्वर ही है लेकिन
सामने में अ का स्वर है और बाद में अ के अतिरिक्त कोई और स्वर है, तो विसर्जित का लोप हो जाएगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात अह की मात्रा हट जाएगी। जैसे देखेंगे अंतःधन एओ, तो अह की मात्रा हट जाएगी क्योंकि पहले स्थान पर त के साथ अ की मात्रा है और दूसरे में अ के स्थान पर ए स्वर आया हुआ है, तो यह बनेगा अत एओ। उसी प्रकार मनःधन उच्छेद, तो इसको संधि करने पर बनेगा मन उच्छेद। उसी प्रकार पयधन आदि, पय आदि, ततःधन एओ, तत एओ। अब आखिरी नियम देखेंगे, विसर्ग के पहले वर्ण में अ का स्वर हो तथा विसर्ग के साथ अ ग घ अंग हलन या झ ज ड ढ ण द ध न प फ म य र ल व ह। इनमें से कोई वर्ण का मेल होता है तो विसर्ग के स्थान पर ओ बन जाएगा, अर्थात पहले स्थान पर अ है, अ का स्वर, तथा विसर्ग के साथ अ ग ये सब आ रहे हैं। जैसे मनहधन अभिलाषा, इसमें न के साथ अ का स्वर है और बाद में अ, अभिलाषा का पहला अक्षर है अ, तो ये बनेगा मनोभिलाषा, तो अ के स्थान पर ओ आ गया है और अह की मात्रा हट गई है। जैसे और एक उदाहरण देखेंगे, सरहधन ज सरोज, वयहधन वृद्ध वयोवृद्ध, यशहधन धरा यशोधरा, मनहधन योग मनोयोग, अधहधन भाग अधोभाग, तपहधन बल तपोबल। इसी प्रकार मनहधन रंजन मनोरंजन। जब हम विच्छेद करेंगे तो भी इस नियम का ध्यान रखेंगे कि यदि ओ की मात्रा बीच में आ रही है तो अह की मात्रा आ जाएगी और अ का मात्रा भी लग जाएगा आखिरी शब्द के साथ, तो मनोकूल मनोनुकूल, तो इसको बनेगा मनहथन अनुकूल। उसी प्रकार एक और शब्द है मनोहर, तो इसका विच्छेद करने पर बनेगा मनहधन हर। तपोभूमि तपहधन भूमि, पुरोहित पुरहधन हित, यशोदा यशहधन दा, अधो वस्त्र अधहधन वस्त्र। लेकिन इनमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे पुनःधन अवलोकन का संधि करने पर बनता है पुनर्दो लोकन। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ओ नहीं बना है, यदि ओ आता पुनोवलोकन इस प्रकार से आता, लेकिन पुनर्वलोकन यह आया है। इसी प्रकार पुनःधन इच्छन पुनरीक्षण, पुनःधन उद्धार पुनरुद्धार, पुनःधन निर्माण पुनर्निर्माण, अंतःधन द्वंद्व अंतस्तंद, अंतःधन देशीय अंतरदेशीय, अंतःधन यामी अंतर्यामी। इस प्रकार आज हमने विसर्ग संधि के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आपसे अनुरोध है कि हमारे मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए हमारे चैनल से जुड़कर अपना निरंतर सहयोग हमें प्रदान करते रहें और साथ ही ज्ञान के प्रकाश को दूर तक फैलाने के लिए आपका सहयोग बहुत ही अपेक्षित है। धन्यवाद।